Good morning, everyone. Today, we have with us Siddharth for our Sustainable Saturday session. Sustainable Saturday sessions are conducted every Saturday by Green Yatra in order to spread environmental education among all of our fellows. So Siddharth here is a passionate environmental professional and working as a general manager at Green Yatra, with experience of 8 years of working in the field of climate action, which includes environmental conservation, environmental restoration, education, afforestation, ecological restoration, water body restoration, and a diversity of fields in the lines of environment. He has made 122 Miyawaki dense forests in India. He's also passionate about urban biodiversity restoration. He was recognized as Environmental Day Hero by the United Nations Environmental Project, that is UNEP team, for his efforts in the fight to beat air pollution. So today he will be talking with us how at Green Yatra we are living Environment Day every day. And for this topic, Siddharth, I now invite you to take over this session. Thank you, Sandra, for this beautiful introduction. So good morning, all viewers. Today our topic is Living Environment Day Daily with Green Yatra. So I would like to say happy World Environment Day to all. अभी वैसे तो दो दिन है बाकी, आज 3 तारीख है, 5 तारीख को इन्वायरमेंट डे है, बट इन एडवांस हैप्पी इन्वायरमेंट डे टू ऑल. या सो आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज टुडे वी विल डिस्कस कि ग्रीन यात्रा में हम कैसे डेली इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं या फिर डेली इन्वायरमेंट डे हम जीते हैं. सो फर्स्ट थिंग सैंडर, मुझे लगता है कि एक चीज हमें कंसिडर करनी चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि बस इन्वायरमेंट डे पे ही हम इन्वायरमेंट की बात करें या फिर इन्वायरमेंट डे पे ही हम प्लांटेशन करें. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि आज इन्वायरमेंट डे है, मंडे को इन्वायरमेंट डे है, तो भी हम इन्वायरमेंट डे की बात कर रहे हैं, लोग भी ट्री प्लांटेशन करने के लिए आगे आते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, इन्वायरमेंट पे अवेयरनेस सेशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है ऑन द ओकेजन ऑफ ओनली इन्वायरमेंट डे. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर इवेंट के दिन या फिर एक पर्टिकुलर डे के दिन ही बस आप इन्वायरमेंट के बारे में बात करो. वी शुड टॉक अबाउट इन्वायरमेंट एंड वी शुड डू ट्री प्लांटेशन, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन ईच एंड एवरी डे. तो ये ईच एंड एवरी क्यों करना चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि बस हम एक ही दिन करेंगे तो सारा इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा या फिर हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेंगे. सो हमें हर रोज इन्वायरमेंट के बारे में बात करनी चाहिए, इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के बारे में, इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए हमें एफर्ट्स करने चाहिए. क्यों? क्योंकि हम हर रोज ऑक्सीजन लेते हैं. ऐसा तो नहीं कि बस हम इन्वायरमेंट डे के दिन ही ऑक्सीजन लेते हैं कि चलो साल भर का पूरा ऑक्सीजन 5 तारीख को ले लो और फिर साल भर हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है. सो हर एक मोमेंट, हर एक पल, हर एक मिनट में हम ऑक्सीजन लेते हैं. सो वी शुड सेलिब्रेट, इट्स अवर मोरल एंड एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इन्वायरमेंट को उतना इम्पोर्टेंस दे जितना हम अभी तक नहीं दे पा रहे. इवन इन और एजुकेशन सिस्टम, जब मैं 10th में था तो दैट टाइम हमें इन्वायरमेंट एक टॉपिक होता था. सो उसका ऑब्जेक्ट बस इतना ही होता था कि आपको बस वो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट क्लियर करना है. उसका कोई ऐसा मार्क वगैरह नहीं होता था या फिर उसकी इतने कोई उसके क्रेडिट्स नहीं होते थे. बस क्राइटेरिया इतना था कि एक सब्जेक्ट है उसको आपको पास करना है, फिर कहीं से एक एसे लिख के लाओ एयर पॉल्यूशन पे, वाटर पॉल्यूशन पे, सॉइल पॉल्यूशन पे, बस कहीं से लिख के लाओ, कुछ फोटोज वगैरह चिपका दो, रेडीमेड स्टिकर सबमिट कर दो, उसके मार्क्स मिल जाते थे एंड देन आप पास हो जाते. तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया इन्वायरमेंट डे को. और मुझे लगता है कि ये बहुत ही बुरा है कि हम इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जो हमारे लाइफ से रिलेटेड है, जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, जो हमारे अस्तित्व से रिलेटेड है, हमारे एग्जिस्टेंस से रिलेटेड जो टॉपिक है, हम उसको इतना लाइट लेते हैं, उसको हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते. तो एजुकेशन सिस्टम में भी इन्वायरमेंट अवेयरनेस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है एज अ बॉटनिस्ट एंड इन्वायरमेंटलिस्ट. ओके, सो अभी ऑक्सीजन की बात हमने की ही है, तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको और व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि डेली हर एक दिन हम 13 लाख रुपए का ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, 13 लाख रुपीज का. सो इमेजिन कीजिए, अगर ये 13 लाख रुपए का ऑक्सीजन जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट अभी यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, अगर इसके हमें पैसे देने होते हैं इन्वायरमेंट को तो क्या होता? कैन यू इमेजिन कि 13 लाख रुपए अगर हम हर डे देते हैं, सो इज इट पॉसिबल फॉर यू एंड मी, जस्ट लाइक अ कॉमन मैन, को ये पॉसिबल होता है कि हम इतना पैसा किसी को दें? बट वी आर गेटिंग दिस ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट, सो नेचर गिविंग अस फ्री ऑफ कॉस्ट. सो जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, वो भले फिर ऑक्सीजन हो, एयर हो, या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेस हो, मेटल्स हो, ये सारी चीजें ये बहुत महंगी है, ये बहुत कॉस्टली है, बट वो हमें नेचर से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है. तो ऐसा नहीं कि जो चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है उसकी कोई वैल्यू नहीं है. मुझे तो लगता है कि जो चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट हमें नेचर दे रहा है
उसकी इतनी वैल्यू है कि हम उसको पे नहीं कर पाएंगे. सो क्वेश्चन इज दैट कि ये सारी चीजें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, हम इतना सारा नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं, बट हम नेचर में उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, एनवायरमेंट के लिए पॉजिटिव उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे. सो एक दिन में हम 13 लाख का ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं. एंड दिल्ली ग्रीन्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में जो एनवायरमेंट पे काम करती है, बहुत अच्छा उनका रिसर्च वर्क होता है, बहुत अच्छे रिसर्च पेपर उन्होंने पब्लिश किए. सो अकॉर्डिंग टू दिल्ली ग्रीन्स उन्होंने एक रिसर्च किया था कि इकोनॉमिक वैल्यू क्या होती है. सो ये पता चला कि 13 लाख का ऑक्सीजन एक एवरेज ह्यूमन बींग कंज्यूम करता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट हॉस्पिटल वाला ऑक्सीजन जो हमें सिलेंडर में मिलता है, वो बहुत चीप होता है, कम कॉस्ट, उसका कॉस्ट भी बहुत कम होता है. आई एम टॉकिंग फ्रेश ऑक्सीजन जो कि प्लांट ट्रीज प्रोड्यूस करते हैं. एंड सेंटर मैं ये बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो कंपनीज है ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है और गैस सिलेंडर पर भर के हमें देती है, बट दैट इज नॉट ट्रू. ये जो कंपनी होती है ये बस ऑक्सीजन एटमोस्फेयर से ऑक्सीजन पार्ट सेपरेट करके उसको सिलेंडर में भर के हमें देती है. ऑक्सीजन ओनली कैन बी प्रोड्यूस बाय द ट्रीज, बस ट्री ही हमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके दे सकते हैं, कंपनी नहीं करती है. कुछ लोगों को लगता है कि ऐसी भी कंपनी है कि जो ऑक्सीजन बनाती है, बट दैट इज नॉट ट्रू. या सो इसलिए अगर हम डेली ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं एंड 13 लाख रुपए का ऑक्सीजन हम कंज्यूम कर रहे हैं, एक दिन में हमें 550 लीटर ऑक्सीजन लगता है बाय द वे एक एवरेज ह्यूमन बींग को, तो उतने ऑक्सीजन की कॉस्ट हम डेफिनेटली दे नहीं पाएंगे. इसलिए हमें जो मिल रहा है फ्री में, कम से कम उसके लिए हमें कुछ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट के लिए करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. सो एज वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो ये 15th एनिवर्सरी है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की. सो ये एक अच्छी चीज है. सो इस साल जो थीम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, दैट थीम इज अ बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन. हियर यू कैन सी एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज है जहां पे ये बताया गया है कि इंसान, मतलब इंसान ही पूरा प्लास्टिक है, या फिर हम जो प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, या हम जो प्लास्टिक स्प्रेड कर रहे हैं, जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है वो कोई और नहीं कर रहा है, उसके लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ही रिस्पॉन्सिबल है. ओके, सो सेंट्रा अपने पास क्या होता है ना कि हर चीज को एक विलन के तरीके से हम बताते हैं कि यस प्लास्टिक इज अ विलन, प्लास्टिक इज वेरी बैड, प्लास्टिक से पॉल्यूशन होता है. यस डेफिनेटली प्लास्टिक से पॉल्यूशन होता है, बट हम उसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं कि प्लास्टिक तो विलन है, प्लास्टिक के वजह से सारा डिग्रेडेशन हो रहा है, प्लास्टिक बहुत ज्यादा हार्मफुल है. बट मुझे क्या लगता है कि जब भी हम किसी भी चीज की अगर हम निगेटिविटी देख रहे हैं तो हमें उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखने चाहिए, क्योंकि हर एक पॉइंट के दो पार्ट होते हैं. जैसा सिंपल से अगर मैं बोलूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी विलन बोला जाता है CO2 को, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होते हैं और एटमोस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ता है. बट अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर देखें, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस अर्थ पे एग्जिस्ट है इसलिए हम जी पा रहे हैं, मतलब हमारा जो एग्जिस्टेंस है ह्यूमन का या फिर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है. अगर CO2 ना हो तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो -18 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, और उस टेम्परेचर पे कुछ ग्रो नहीं होगा या फिर कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा. सो दैट इज ऑल्सो हीरो, बट हम उसका बस सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेम विथ प्लास्टिक, प्लास्टिक इज अ विलन ऐसा बोला जाता है भी, बट हमें उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखने चाहिए कि प्लास्टिक के वजह से कितनी हमारी लाइफ इजी हुई है, कितनी लाइफ आसान हुई है. जो अनदर पार्ट है कॉइन का वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, उसके बाद फिर हम प्लास्टिक पोल्यूशन पे बात करेंगे. सो इन 1855 मिस्टर अलेक्जेंडर पार्क इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने प्लास्टिक इन्वेंट किया इन 1855-56 के अराउंड. इससे पहले क्या होता था ना कि अभी हम देख रहे हैं कि हम जो भी डेली जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसा कि कंघी हो, शर्ट का बटन हो, ये सारे प्लास्टिक से बने होते हैं, या फिर जो भी हम मतलब मार्केट में सामान खरीदते हैं मोस्ट ऑफ द थिंग प्लास्टिक से बनी होती है. सो प्लास्टिक इन्वेंट होने से पहले क्या होता था ना कि जो सी टर्टल्स है और जो हाथी है उनकी हंटिंग की जाती थी ये सारी चीजें बनाने के लिए, तो एनिमल हंट किए जाते थे. बट जब प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ, अलेक्जेंडर पार्क जी ने जब इन्वेंशन किया 1855 में, तो उसके बाद प्लास्टिक ये चीजों में यूज किया जा रहा था कि जो भी आपके डेली यूजेस के जो भी चीजें होती है वो प्लास्टिक से बनाई जा रही थी. तो प्लास्टिक के वजह से उस समय जो भी हंटिंग हो रही थी या फिर जो भी एनिमल्स को मारा जा रहा था वो कम हुआ. तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक की प्लास्टिक की वजह से हंटिंग कम हो गई, शिकार कम हो गई, और जो एनिमल्स थे फिर वो मरना कम हो गया. जब अलेक्जेंडर ने प्लास्टिक इन्वेंट किया तो प्रीवियस अर्ली प्लास्टिक को बोला जाता था सेल्यूलाइट, क्योंकि ये सेल्यूलोज से बना हुआ था. सो सेल्यूलाइट का एक प्रॉब्लम ये था कि वो फायर रेजिस्टेंट नहीं था, आग उसको लग जाती थी, तो इसलिए वो इतना इफेक्टिव नहीं हुआ. बट आफ्टर दैट 1907 में लियो बैकलैंड ने एक्सीडेंटली एक प्लास्टिक का अदर फॉर्म इन्वेंट किया जिसको हम बैकेलाइट बोलते हैं, एंड बैकेलाइट इज अ मोर यूजफुल देन सेल्यूलाइट.
एंड बैकलाइट में क्या होता था कि वो फायर रेजिस्टेंट था, वो फायर मतलब इतना इफेक्ट नहीं होता था फायर का। एंड उसके बाद फिर बहुत सारे और प्लास्टिक के अलग अलग हमें टाइप देखने को मिले हैं। फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे से अलग अलग रिसर्च उसने उस पर काम किया है एंड हमें अलग अलग चीजें देखने को मिले। सो ह्यूमन काइंड के लिए प्लास्टिक इन्वेंशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा इन्वेंशन रहा है। बट द थिंग इज दैट कि हम उसको प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे। एक्चुअल विलन तो हम है, इंसान है। एक्चुअल विलन तो दो पैरों वाला ऑर्गेनिज्म है कि जो चीजों को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहा है और जरूरत से ज्यादा हमने चीज इस्तेमाल कर ली। तो एक छोटा सा एक चीज होती है कि अगर कोई भी चीज हम जरूरत से ज्यादा यूज करते हैं तो वो कुछ टाइम बाद वो पॉइजन होता है, ठीक है। नहीं, हर चीज को हमें प्रॉपर सस्टेनेबल वे से यूज करना है तो ही उसका यूज हम प्रॉपरली कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल वर्क एज अ पॉइजन। वही हुआ प्लास्टिक के साथ कि प्लास्टिक को हमने इतना यूज कर लिया, मतलब डेली डेली यूज में हम इतना प्लास्टिक यूज कर रहे हैं कि उसके वजह से प्लास्टिक हीरो से विलन बन गया है। एंड नाउ प्लास्टिक की जो आइडेंटिटी वो बस विलन है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन करता है, प्लास्टिक की वजह से बहुत सारी हार्मफुल होती है। क्या जरूरत है हमें प्लास्टिक की बॉटल यूज करने का, जो हम 10 रुपीज वाली या 20 रुपीज वाली पानी की बॉटल लेते हैं? क्या जरूरत हमें प्लास्टिक के स्ट्रॉज यूज करने की? क्या जरूरत हमें सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करने का? हम रोक सकते हैं, ये चीजें हमारे हाथ में हम रोक सकते हैं, पर हम रोक नहीं पा रहे हैं। एंड इसका जो भी हम बैड इफेक्ट बोल रहे हैं वो प्लास्टिक को दे रहे हैं, बट एक्चुअल वी आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग अवर सेल्फ। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो पानी सेल कर रही है कंपनी, जो भी वाटर सेल कर रही है बहुत सारी कंपनी, सो दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग वाटर, दे आर प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक ओनली, क्योंकि वाटर अवेलेबल है नेचर में पहले से। दे आर ओनली प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक एंड दे आर वो बस पानी और प्लास्टिक की बॉटल में फिल करके हमें दे रही है। बहुत सारे इवेंट पे जब हम जाते हैं, कोई फैमिली फंक्शन हो या फिर कोई ऑफिस का इवेंट हो, कोई भी सेमिनार वगैरह, वहां पे वो 10 रुपए वाली पानी की बॉटल रखी हुई होती है। हर एक टेबल पे 10-10, 20-20 बॉटल होते हैं। इवेंट खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि 1,000, 500, 2,000 प्लास्टिक की बॉटल्स वो खाली हो गई और फिर उसको कचरा हो गया। तो इसकी जरूरत है क्या? मतलब ये सोचने की बात है कि इतनी इतना मतलब प्लास्टिक का यूज करने की जरूरत है क्या? हम कोई ऐसा कैन वहां पे रख सकते हैं कि जो रिफिल कर सकते हैं, फिर से उसमें पानी ऐड कर सकते हैं, एक स्टील का ग्लास रख सकते हैं या फिर खुद हम हमारा वाटर कैरी कर सकते हैं। बट क्या होता है ना कि आजकल वो ऐसा हो गया कि वो एक सिस्टम माना जाता है कि नहीं, टेबल पे एक पानी की बॉटल होनी चाहिए, वो एक गेस्ट के लिए पानी होना ही चाहिए, बट वो कितना पॉल्यूशन कर रहा है वो भी हमें देखना चाहिए। सो दीज आर द सम बैड एंड यूजफुल फैक्ट्स ऑफ प्लास्टिक। सो हर एक चीज के दो पहलू होते हैं ऐसा मुझे लगता है, तो मैं दोनों चीज से सोचता हूँ। सो हेयर आर सम की फैक्ट्स अबाउट द प्लास्टिक। ऑल वी नो कि प्लास्टिक बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है, हजारों सालों तक वो डिकम्पोज नहीं होता है, डिग्रेडेड नहीं होता है, इसकी वजह से प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है। एंड नियर अबाउट 60% जो प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है वो एनवायरमेंट में कंटिन्यू होता है। उसमें मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक होता है सिंगल यूज प्लास्टिक की, जो डिग्रेड भी नहीं होता है, वन टाइम हम यूज करते हैं, हजारों साल तक वो एनवायरमेंट में रहता है और बस एक ही बार उसका यूज होने से वो इतना सस्टेनेबल नहीं है। देन ये हमें पता है कि प्लास्टिक पोल्यूशन से निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है बायोडाइवर्सिटी में। अभी रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स आई थी, उसमें देखा गया है कि जो फिशेस होते हैं या फिर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनके पेट में प्लास्टिक मिल रहा है हमें, उनके पेट में हमें प्लास्टिक की थैलियां या फिर अलग अलग प्लास्टिक के चीजें मिल रहे हैं। और ये सोचने की बात है कि ऐसी जगह पे प्लास्टिक हम पहुंचा रहे हैं, मतलब एकदम कि जहां पे हम इंसान खुद नहीं जा सकता पर वहां पे प्लास्टिक पहुंच गया है, समंदर के अंदर तक हमने प्लास्टिक का स्प्रेड कर दिया। और ये हमने किया है, ये ऐसा नहीं कि कोई एनिमल आके या फिर कोई किसी ने किया, ये हमने किया, इंसानों ने किया है। तो ये भी देखा गया है, एक रिसेंटली मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये भी देखा गया कि इंसान के बॉडीज में भी प्लास्टिक के कुछ पार्टिकल्स अभी मिल रहे हैं, माइक्रो प्लास्टिक के प्लास्टिक के पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। सो ये बहुत भयंकर चीज है, ये बहुत डरावनी चीज है कि हमारे जो हम कर रहे हैं उसका डायरेक्ट जो बोलते हैं ना कि कर्मा, वो हमें मिल रहा है इसी जन्म में। सो प्लास्टिक आज हमारे पेट में आ गया, आज हमारे शरीर में आ गया, हमारे फूड में आ गया, बिकॉज जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं। एंड द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन द ओशन इज एस्टिमेटेड बिटवीन 8 and 13 million tons पर ईयर। सो इतना ज्यादा प्लास्टिक हम स्प्रेड कर रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक डेफिनेटली सबसे ज्यादा हार्मफुल है एनवायरमेंट के लिए। रिसाइकलिंग इज वन ऑफ द वे टू रिड्यूस द प्लास्टिक वेट, बस डेफिनेटली इतना सारा रिसाइकलिंग नहीं हो सकता है। कुछ प्लास्टिक ऐसे जिसको रिसाइकल करना इम्पॉसिबल है या फिर कुछ बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, बहुत ज्यादा उसको पैसा भी इन्वेस्ट करना होता है। सो दीज आर सम की फैक्ट्स।
तो देखो प्लास्टिक को रिड्यूस करना इट्स नॉट रॉकेट साइंस। ऐसा नहीं है कि हमें कोई रॉकेट साइंस करना है, कोई फॉर्मूला लिखना है, उस पे 1000 साल रिसर्च करनी है, फिर उसके बाद हमें कुछ रॉकेट साइंस बना के, फिर रॉकेट बनाने के बाद हमें वो प्लास्टिक रिड्यूस करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल। अगर हम डेली यूज में कुछ चीजें हम चेंज करें, अपना लाइफ स्टाइल अगर हम चेंज करें, अपनी हैबिट्स अगर हम चेंज करें, तो हम प्लास्टिक को रिड्यूस कर सकते हैं और इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल सा है, ब्रिंग योर ओन रियूजेबल बैग, ये हम सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं, सारी चीजें हम सुनते हैं समझते, पर हम करते नहीं एक्चुअली, वो इंसानों का बड़ा प्रॉब्लम होता है। सो ब्रिंग योर ओन रियूजेबल बैग। जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो ये देखा जाता है कि मार्केट में अगर हमें वेजिटेबल्स लेने हैं तो 10 वेजिटेबल्स लेने के लिए हमें 10 बैग्स लेना पड़ते हैं, प्लास्टिक के बैग्स, वो बैग्स में डाल के देते हैं। तो ऐसा करके हम 10 प्लास्टिक के बैग घर पे लेके आते हैं। सो क्यों ना हम हमारी खुद की रियूजेबल बैग जो क्लॉथ से बनी हो वो लेके जाए मार्केट में। देन हम हमारी वाटर बॉटल यूज कर सकते हैं जो प्लास्टिक से ना बनी हो, मेटल की हो, या फिर कोई और प्लास्टिक बॉटल अगर हम यूज कर सकते हैं तो वो अच्छा है। सिंगल यूज प्लास्टिक हमें अवॉइड करना चाहिए, कि जो भी स्ट्रॉ होते हैं या फिर जो भी टाइप ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। अपना ओन कॉफी का कप यूज करते हैं, जैसे कि आप करते हो कि आप आपका खुद कॉफी का कप यूज करते हो, हमेशा मैंने देखा है, सो दैट इज गुड। देन वी कैन यूज अवर क्लॉथ टॉवल्स, नैपकिन, वी कैन रिड्यूस द प्लास्टिक प्रोडक्ट। हाँ, बाइंग इन अ बल्क इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर रिडक्शन ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि जब हम एक चीज मंगाते हैं, सपोज अगर हम जिस शैम्पूज वगैरह होते हैं वो सैकेट में आते हैं, तो अगर हम 2 रुपए का एक वो छोटा सा पैकेट लेते हैं, तो ऐसे अगर हम 10 पैकेट लेते हैं तो 10 सैशेट प्रोड्यूस होते हैं, वो डिग्रेड नहीं होते हैं। तो उसी जगह पे अगर हम एक बॉटल लेते हैं, बड़ी वाली बॉटल शैम्पू की या फिर कोई भी अदर प्रोडक्ट की, तो वो भी एक यूजफुल हो सकता है। एंड डेफिनेटली अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर हम प्रॉपर अवेयरनेस करेंगे लोगों में और लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम रिड्यूस कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप एक इमेज देख सक रहे हो कि बनाना को प्लास्टिक में रैप किया है। अभी ये जो इंसानी दिमाग जो है, जो हम कहते हैं कि इंसान इज अ वेरी स्मार्ट, कभी कभी मुझे डाउट होता है कि ऐसा सच में है क्या, बिकॉज जहां तक मैं देख रहा हूँ तो सारे हार्मफुल इफेक्ट जो हो रहे हैं वो इंसान ही कर रहे हैं। इवन देर आर 80 लाख लिविंग स्पीसीज ऑन दिस अर्थ, 8 मिलियन स्पीसीज आर एग्जिस्टिंग ऑन दिस अर्थ, ये जो रिसर्च में पता है, बट बाकी और बहुत सारी होगी जो अभी तक पता नहीं है हमें या फिर रिसर्च नहीं किया गया है। तो इन सारी स्पेसिस पर बस ह्यूमन बीइंग ऐसा है, बस इंसान ही ऐसा है कि जो निगेटिव इम्पैक्ट स्प्रेड कर रहा है या निगेटिविटी स्प्रेड कर रहा है, या फिर नेचर से जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है वो ले रहा है, बट उनको रिटर्न में क्या दे रहा है, नेचर को पॉल्यूशन दे रहा है या फिर हार्मफुल इफेक्ट दे रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बनाना को उन्होंने प्लास्टिक में रैप किया है, जबकि नेचर ने बनाना को ऑलरेडी एक प्रोटेक्टिव कवर दिया है जो कि ऑर्गेनिक है, फुल्ली डिग्रेडेबल है, अगर हम उसको डिग्रेड करने जाए तो इजिली डिग्रेड होता है, बट स्टिल हमने उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा दिया। सो इतना भी स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कम स्मार्ट भी अगर हम रहते तो दैट इज ऑल्सो फाइन, बिकॉज नेचर इज प्रोवाइडिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स टू अस। या सो जो हमारा टॉपिक है आज का, कि हाउ वी आर लिविंग इन्वायरमेंट डे डेली विद ग्रीन यात्रा। तो जैसा मैंने आपको बोला सैंड्रा कि इन्वायरमेंट डे के दिन लोग अवेयर होते हैं, लोगों को लगता है कि यस इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना चाहिए, ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, अवेयरनेस सेशन रखने चाहिए, ये करते वो करते, इन्वायरमेंट के दिन बहुत बातें होती है, बट मुझे लगता है कि इन्वायरमेंट डे हमें रोज सेलिब्रेट करना चाहिए, रोज जीना चाहिए, बिकॉज वी आर टेकिंग ऑक्सीजन डेली बेसिस। सो एट ग्रीन यात्रा वी आर लिविंग इन्वायरमेंट डे डेली, हम हर रोज इन्वायरमेंट डे जी रहे हैं, हम हर रोज ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, हर रोज इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज कर रहे हैं। सो दीज आर सम और मेजर प्रोजेक्ट जो हम ग्रीन यात्रा में कर रहे हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट इज अ नेचर इंटरेक्शन सेंटर, जहां पे हम नेचर को और ह्यूमंस को एक साथ ला रहे हैं और हम ट्राई कर रहे हैं कि जो लोग हैं वो नेचर से इंटरेक्ट करें। अभी क्या हो रहा है ना कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, नेचर के कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं या फिर एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उसके बहुत सारे रीजंस है, वो हमने एक सेशन में डिस्कस भी किया है। तो हम चाह रहे हैं कि हम ऐसी कोई जगह बनाए जहां पे नेचर और इंसान एक साथ आए, वो पॉजिटिवली इंटरेक्ट करे, वो एक दूसरे को समझे और कोलैब करके एक साथ वो कैसे रहे। उसके मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा कि प्रैक्टिकली हमने ये कैसा किया है, हमने नेचर को या फिर एनिमल को और इंसान को एक साथ लाके एक साथ हम उनको रहने के लिए कैसा मोटिवेट कर रहे हैं। देन सेकेंड इज अ कॉज रिलेटेड मार्केटिंग, मैंग्रोव प्लांटेशन। सो दिस इज अ न्यू विंग ऑफ ग्रीन यात्रा, वी आर एंटरिंग इन मैंग्रोव प्लांटेशन। टेरिस्टल प्लांटेशन में तो हम अच्छा काम कर ही रहे हैं, अभी हम पानी में भी घुस रहे हैं, पानी में भी हम काम कर रहे हैं, सो डेफिनेटली बहुत अच्छे इसके आगे इम्पैक्ट आने वाले हैं। देन एनुअल ग्रीन ट्यूटोरियल्स, क्लाइमेट एजुकेशन फॉर कॉर्पोरेट स्कूल्स एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज, इनको हम क्लाइमेट एजुकेशन दे रहे हैं, और जो भी हॉट टॉपिक है क्लाइमेट से रिलेटेड, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो या फिर क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, उस पर हम सेशन लेते हैं, ऑनलाइन सेशन, ऑफलाइन सेशन, देन प्रोजेक्ट जल। सो
सो वी आर रिजुनेटिंग अर्बन वाटर बॉडी, जो भी लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, उसको रिजुनेट करते हैं. सस्टेनेबल सोल्यूशन हम प्रोवाइड करें, कार्बन इमिशन कैलकुलेशन करना, फिर उस पर सोल्यूशन प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें भी ग्रीन यात्रा करते हैं. एंड देन मियावाकी फॉरेस्ट प्लांटेशन, सो दिस इज अवर मेजर प्रोजेक्ट. सो मियावाकी का एम ये है कि अर्बन एरिया में बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो और जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको रिड्यूस करके अर्बन एरिया का ग्रीन कवर हम कैसा बढ़ा सकते हैं, अर्बन थाईलैंड को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, एंड एक जो कम्युनिटी है जहाँ पे प्लांटेशन हम करते हैं उनको हम प्रॉपर उसका बेनिफिट कैसा दे सकते हैं. सो ये सारी चीजें हम डेली बेसिस पे ग्रीन यात्रा में कर रहे हैं. सो ग्रीन यात्रा में नॉन नेटिव ट्रीज को कोई जगह नहीं है. वी आर नॉट बिलीविंग इन एनी नॉन नेटिव ट्री, वी आर नॉट प्लांटिंग एनी नॉन नेटिव ट्रीज, बिकॉज जैसा हम समझते हैं कि नेटिव वर्सेस नॉन नेटिव अगर हम देखें तो नेटिव ट्रीज के बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं. नॉन नेटिव में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो इकोलॉजी को सपोर्ट नहीं करती. बेसिकली नेटिव ट्रीज वही होते हैं कि जो आपके इकोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको लोकल बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके फ्लोरा फौना आपके सॉइल को सपोर्ट कर रहे हैं, क्लाइमेट को सपोर्ट कर रहे हैं. एंड वेन वी आर इंट्रोड्यूसिंग नॉन नेटिव स्पीसीज तो उस टाइम क्या होता है कि जो भी लोकल इकोलॉजी होती है वो डिस्टर्ब होने स्टार्ट होती है, उस एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी उससे वो डेफिनेटली अफेक्ट होती है. तो नेटिव स्पीसीज ही हम यहाँ पे प्लांट करते हैं. जो भी हमारा प्रोजेक्ट होता है उसमें बस नेटिव स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, इंडेंजर स्पीसीज हम प्लांट करते हैं, कोई भी नॉन नेटिव स्पीसीज हम यहाँ पे लगाते नहीं. देर आर लॉट्स ऑफ थिंग की जैसे नॉन नेटिव स्पीसीज का हाई मेंटेनेंस होता है, नेटिव स्पीसीज का लो मेंटेनेंस होता है, नेटिव स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करती है, नॉन नेटिव स्पीसीज पे बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट इतना नहीं होता है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको मिटिगेट करने के लिए नेटिव स्पीसीज हेल्प करती है, सॉइल इरोजन, वाटर मैनेजमेंट, ये सारे के लिए नेटिव स्पीसीज यूजफुल होती है. एंड द स्पेशल थिंग इज बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए नेटिव स्पीसीज मोर इम्पोर्टेंट. एंड सैंड्रा, मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा पक्षी बहुत स्मार्ट है. पक्षी जो होते हैं, बर्ड जो होते हैं ना, वो आप देखना कभी वो नॉन नेटिव ट्रीज पे घोंसले नहीं बनाते, उनका नेस्ट नहीं बनाते, वो डायरेक्टली डिनाई कर देते हैं, वो डायरेक्टली कैंसिल करते हैं नॉन नेटिव स्पीसीज को, बिल्कुल उस पर घोंसले नहीं बनाते, बस नेटिव स्पीसीज पे बनाते हैं. और अगर नेटिव ट्री नहीं मिलता है तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी के पोल पे उनके घोंसले बनाते हैं, बट नॉन नेटिव ट्री पे नहीं बनाते. तो ये देखना कि दे आर वेरी स्मार्टर देन अस, कि वो इस पे नॉन नेटिव इस पे घोंसले नहीं बनाते हैं. तो एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा नॉन नेटिव ट्रीज की हम बात कर रहे हैं. तो एक ग्लेडिस या सेपियम नाम की नॉन नेटिव स्पीसीज है महाराष्ट्र में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये स्पीसीज पाई जाती है. सो इट्स अ नॉन नेटिव स्पीसीज एंड हाईली हाईली इन्वेसिव स्पीसीज. तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के लिए एक स्पीसीज कैसी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है मैं आपको बताना चाहता हूँ. कोल्हापुर में क्या हुआ था, कुछ साल पहले ये स्पीसीज लगाई गई, बहुत सारे एरिया में वो लगाई गई, कुछ गांव के आजू बाजू स्पीसीज लगाया, जब वो पेड़ बड़ा हुआ तो उसको फ्लावरिंग स्टार्ट हुआ. एंड इसकी एक चीज ये है कि इसके ये पेड़ के नीचे कोई भी सांप नहीं रह सकता या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके नीचे रह नहीं सकता, क्योंकि ये कुछ टॉक्सिक एयर या टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में. तो जो भी स्नेक्स वगैरह होता है या जो भी एनिमल्स होते हैं वो वहां से उनका हैबिटेट रिलोकेट करते हैं. तो जब कोल्हापुर में कुछ गाँव के आजू बाजू ये पेड़ लगाए गए और उसके कुछ महीनों बाद वो जो आजू बाजू के जो गांव थे वहां पे स्नेक्स निकलना चालू हुए. हर दिन किसी के घर में सांप निकल रहा था, हर दिन एक दूसरे के घर में सांप निकल रहे हैं. तो लोगों ने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो ऐसा नहीं होता था, स्नेक नहीं निकलते थे पहले, चूहे नहीं निकलते थे, बट अभी तो उनका पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा हो गया गाँव में. तो उन्होंने कुछ इकोलॉजिस्ट बॉटनिस्ट को बुलाया. जब बॉटनिस्ट लोगों ने और इकोलॉजिस्ट लोगों ने जब स्टडी की तो उनको पता चला कि उस गांव के सराउंडिंग में ये ग्लेडिसिया सेपियम लगाया गया था, जिसको गिरी पुष्प भी बोलते हैं. एंड आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, कुछ लोग इसको इंडिया का चेरी ब्लॉसम भी बोलते हैं. सो ये होता है कि जब आपको कोई चीज के बारे में अवेयरनेस ना हो तो आप निगेटिव चीज को भी पॉजिटिव समझने लगते हो. तो जब बॉटनिस्ट लोगों ने इकोलॉजिस्ट लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो ग्लेडिसिया स्पीसीज आपके आजू बाजू लगाई गई है उसके वजह से वहां पे रहने वाले जो भी स्नेक्स थे या फिर जो भी रैट्स थे उन्होंने उनका हैबिटेट चेंज किया और वो आपके घर में आ गए. डेफिनेटली जब हम उनका घर डिस्ट्रॉय करेंगे, उनकी हैबिटेट डिस्ट्रॉय करेंगे तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे. तो ऐसे एक स्पीसीज लगाने से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. सो दिस उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, कुछ अरसुले पोटले बोल के गाँव थे कोल्हापुर में. सो एक गलत नेटिव स्पीसीज अगर हम लगाते हैं तो इन्वायरमेंट पे उसका बैड इफेक्ट होता है, जो भी एनिमल्स होते हैं उस पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना स्टार्ट होता है, बहुत सारे निगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिलते हैं. सिमिलर लाइक लैंटेना, ये एक सबसे बड़ा इशू है. अभी मुझे लगता है कांग्रेस जो है पार्थेनियम के बाद सबसे बड़ा इशू यही है लैंटेना कैमरा. ये भी बहुत स्प्रेड होता है, सुंदर दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है, बट बहुत ही इन्वेजिव स्पेसीज ये है. एंड एक स्टडी में ये पाया गया है कि इंडिया में नियर अबाउट 40% जो टाइगर रिजर्व है वेस्टर्न घाट उधर, तो उसका 40% जो टाइगर का हैबिटेट है वो लॉस हुआ है बस एक स्पेसीज की वजह से.
तो आप इमेजिन कर सकते हो एक पेड़ कितना डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर वो 50% हैबिटेट लॉस कर रहा है टाइगर का, तो इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग फॉर अस. सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट प्लांटिंग एनी नॉन नेटिव स्पीसीज, वी आर बिलीविंग इन नेटिव स्पीसीज ओनली. एंड दीज नॉन नेटिव स्पीसीज जो है ये सारे वी डोंट इवन रियलाइज दैट दे आर इतना ज्यादा इन्वेसिव कि वो लोग नेटिव स्पीसीज को हटा कर ग्रो करने स्टार्ट कर देते हैं. एंड इन्वेसिव स्पीसीज वी डोंट रियलाइज इट. एक्चुअली इन्वेजिव स्पेसिस का काम ही वही होता है, उनका वो वही एम के साथ वही गोल के साथ आते हैं कि जो भी वहाँ का नेटिव फ्लोरा होता है उसको डिस्ट्रॉय करके खुद का एग्जिस्टेंस वहाँ पे फैलाना. उसके लिए वो सारे केमिकल्स स्प्रेड करते हैं, अपने जो भी नेटिव लोकल इकोलॉजी होती है जो प्लांट्स होते हैं उसको किल करते हैं. तो दैट इज रियली वेरी हार्मफुल. उनका एम ही वही होता है कि यहाँ पे इकोलॉजी को डिस्ट्रॉय करके हमें यहाँ पे स्प्रेड होना है. सो एक सेशन हमने लिया है इस पे कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉन नेटिव स्पीसीज, वो इकोनॉमिक कितना लॉस करते हैं, बायोडाइवर्सिटी का कितना लॉस करते हैं, वो ऑलरेडी सस्टेनेबल सैटरडे सेशन एक कंडक्ट किया है. अगर व्यूअर्स को अगर वो सेशन देखना है तो दे कैन वॉच दैट सेशन ऑन अवर फेसबुक पे, वो अवेलेबल है. सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने छोटा सा दिया है कि गुलमोहर जो है एक बड़ा ही फेमस पेड़ है अर्बन एरिया में. मोस्ट ऑफ द पीपल लव्स गुलमोहर, मतलब गुलमोहर से लोगों को प्यार है. औरंगाबाद में तो गुलमोहर कॉलोनी बोल के एक एरिया है जहाँ पे वो एरिया का नाम गुलमोहर पेड़ से रखा है. तो जब मैं लोगों से पूछता हूँ, जब कम्युनिकेशन होता है, तो वो बोलते हैं कि गुलमोहर पेड़ बहुत ही सुंदर दिखता है, उसके फ्लावर बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, घर के सामने अगर हम लगाए तो बहुत सुंदर दिखते हैं. तो बस ये पेड़ सुंदर है इसलिए लोग गुलमोहर लगाते हैं, बट दे डोंट नो द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ गुलमोहर. अभी ये गुलमोहर का जो नेटिव है ये मादागास्कर है, जो मादागास्कर आइलैंड है वहां से ये पेड़ आया है. और इसका जो रूट सिस्टम होता है बहुत ही वीक होता है, ये डीप पेनिट्रेट नहीं जाते, इसके रूट्स ऊपर ही होते हैं. मोस्ट ऑफ द गुलमोहर ट्री में हमें इसके रूट्स ऊपर ही दिखते हैं, और बारिश में सबसे ज्यादा ये पेड़ गिरता है. हम जो देखते हैं कि अर्बन एरिया में पेड़ गिर रहे हैं तो उसमें गुलमोहर का एक बड़ा नंबर होता है. सो मादागास्कर आइलैंड से ये पेड़ आया है, वहाँ की इकोलॉजी डिफरेंट है, यहाँ की इकोलॉजी डिफरेंट है. इस पेड़ पे आप कभी भी पक्षियों का घोंसला नहीं देख पाओगे, इस पेड़ पे आप कभी भी बायोडाइवर्सिटी नहीं देख पाओगे, बस ये सुंदर दिखता है, बस आंखों को इसका रेड कलर अच्छा लगता है. सो यहाँ पे सेकेंड फोटो में मैंने एक स्पीसीज रखी है जो नेटिव है, जिसको हम पलाश बोलते हैं, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा. ये भी सेम गुलमोहर जैसे दिखते हैं, इवन मैं तो बोलूंगा ये गुलमोहर से बहुत अच्छी दिखती है अगर हम इसको घर के पास लगाएं. तो जो एक होता है ना लोगों का कि हमें ऐसे पेड़ चाहिए कि जो अच्छे दिखे, अपने आंखों को प्रेजेंट करे, लोगों को अच्छा दिखाई दे आपका घर या फिर आपके ऑफिस, तो हम गुलमोहर की जगह पे पलाश लगा सकते हैं. गुलमोहर नॉन नेटिव है जिसपे कोई बायोडाइवर्सिटी नहीं आती, कोई उसका इन्वायरमेंटल इतना यूज नहीं है, बट उसी जगह पे अगर हम पलाश देखें तो इसमें नियर अबाउट 94 टाइप के डिफरेंट बर्ड स्पेसीज इसको अट्रैक्ट होती है. इसका जो लीफ है, इसका लीफ बायोडिग्रेडेबल प्लेट बनाने के लिए यूज होता है. हम देखते हैं ना कि कुछ साल पहले इंडिया में भी वो था कि बायोडिग्रेडेबल प्लेट चलती थी शादियों वगैरह में, अभी हमने बंद कर दी, अभी हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं. एंड जर्मनी क्लेमिंग दैट कि उन्होंने बायोडिग्रेडेबल प्लेट बनाई. सो उन्होंने भी कुछ लीफ से एक प्लेट बनाई और वो क्लेम कर रहे कि हमने बायोडिग्रेडेबल प्लेट बनाई और वो उसका पेटेंट वगैरह ले रहे हैं, बट हम हजारों साल से बायोडिग्रेडेबल प्लेट यूज कर रहे हैं. तो पलाश का जो लीफ होता है वो प्लेट्स बनाने के लिए यूज होता है. इसका जो फ्लावर होता है, होली में ऑर्गेनिक कलर यूज करने के लिए इसका फ्लावर का यूज होता है. इसको फ्लावर को अगर आप क्रश करके पाउडर बनाओगे तो इसको एज हम होली का कलर बोल के यूज कर सकते हैं. और आप ये भी देखिए कि हाउ अवर फेस्टिवल्स आर अलाइन विद अवर नेचर. जब इसका फ्लावर स्टार्ट होता है फेब्रुवरी मार्च अप्रैल में इसका फ्लावरिंग होता है, तो उसी समय होली आती है और उसी समय हम ये फ्लावर यूज करते हैं. तो कितना अलाइन है हमारा फेस्टिवल, हमारा ट्रेडिशन, हमारा एनवायरमेंट, ये कितने अलाइन है, ये भी हमें सोचने की जरूरत है. एंड बहुत सारे यूजेस है इसके, मेडिसिनल यूजेस भी है, हर एक पार्ट मेडिसिन में यूज होता है. तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि बस आपको सुंदर दिखने के लिए अगर पेड़ लगाना है तो उसके बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास. जो जैसे हम गुलमोहर की जगह पे पलाश लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, बस अवेयरनेस नहीं है लोगों में. एंड गलती से ये फिर पेड़ ऐसे बढ़ते जाते हैं, फिर इन्वेजिव होते हैं और ये लोकल इकोलॉजी को डैमेज करते हैं. ओके, सो ये तो बात हुई कि ग्रीन यात्रा में हम कैसे पेड़ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, नेटिव पेड़ ही क्यों लगाते हैं, उसके पीछे रीजन क्या होता है, ये हमने बात कर ली. अब ये देखते हैं कि हमने जो हम बोल रहे हैं कि हम रोज एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते, तो हम एग्जैक्टली करते क्या है, हम क्या काम करते हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि हम रोज एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करें. सो वी आर प्लांटिंग ट्रीज इन अर्बन एरियाज. मोस्टली ग्रीन यात्रा इज नोन फॉर अर्बन ट्री प्लांटेशन. सो एम यही है कि अर्बन बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर किया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हुई है सेंटर वो अर्बन एरिया में हुई है. सो
हमारा एम ये भी होना चाहिए कि अर्बन एरिया में जो लॉस हुआ है उसको हमें, वो लॉस को हमें अभी कम करना है, उसको कंजर्व करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है. जहाँ पे डिग्रेडेड लैंड है उस लैंड को हमें कन्वर्ट करना है फॉरेस्ट में या फिर ट्री प्लांटेशन के टाइप में. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंडिया का सबसे बड़ा मियावाकी फॉरेस्ट है जो अर्बन एरिया में है. मैं बात कर रहा हूँ अर्बन एरिया की, क्योंकि मियावाकी फॉरेस्ट इज नॉट रिकमेंडेड इन अ रूरल एरिया. सो अगर अर्बन एरिया में हम बात करें मुंबई जैसे एरिया में, तो सबसे बड़ा फॉरेस्ट जो है, जो कि नियर अबाउट 9 एकर्स में हमने प्लांटेशन किया, वो नवी मुंबई में ज्वेल्स ऑफ नवी मुंबई बोलकर एक गार्डन है. वहां पे हमने 1,30,000 नेटिव सैपलिंग्स लगाए हैं मियावाकी के अंदर. एंड यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट पार्टनर्स मिलकर हमने प्रोजेक्ट किया. ऐसा नहीं कि एक ही पार्टनर ने फंड किया, बहुत सारे मल्टीपल पार्टनर्स एक साथ आए, उन्होंने ये प्रोजेक्ट को फंड किया और यहाँ पे हमने 1,30,000 पेड़ लगाए. तो जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, गोल नंबर 17, उसमें बताया गया कि पार्टनरशिप फॉर गोल. सो कोई बड़ा गोल अचीव करने के लिए हमें पार्टनरशिप करने की जरूरत पड़ती है. एंड दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल जहाँ पे हमने मल्टीपल पार्टनर्स को एक साथ लाके एक बड़ा प्रोजेक्ट क्रिएट किया, एक मैसिव प्रोजेक्ट किया क्रिएट किया जो लार्जर देन लाइफ है. हम रहे या ना रहे, ये प्रोजेक्ट वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करेगी. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल की पार्टनरशिप करके हम एक बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं, जो ग्रीन यात्रा ने किया है 1,30,000 पेड़ लगा के नई मुंबई जैसे एरिया में. सो ये आप देख सकते हैं एरियल व्यू यहाँ पे. सो बहुत ही बड़ी साइट है, बहुत ही यूनिक साइट है. बहुत सारे लोग कम्युनिटीज जो है यहाँ पे मॉर्निंग में आते हैं, मॉर्निंग वॉक को आते हैं. सो वो नेचर से कनेक्ट हो पाते हैं. जो मैंने बताया ना कि ग्रीन यात्रा का एम ये भी है कि लोगों को नेचर से कनेक्ट करवाना, लोगों को नेचर से इंटरेक्ट करवाना पॉजिटिव में. बिकॉज अभी ऐसा है कि घर में सांप निकला तो उसको मार दो, ऐसा होता है, या फिर अगर कोई जंगली जानवर हमारे पास आता है तो उसको किल कर दो. बेसिकली ये स्ट्रैटेजी अभी हम यूज करते हैं, बट वैसा नहीं होना चाहिए. हमें साथ हम कैसा रह सकते हैं, म्यूचुअली हम कोलैबोरेट करके साथ कैसा रह सकते हैं, वो हमें सीखना चाहिए, तभी प्रॉपर हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कर सकते हैं. सो दिस इज द एरियल व्यू ऑफ मियावाकी फॉरेस्ट व्हिच वी हैव प्लांटेड एट ज्वेल्स ऑफ मुंबई. ये देख सकते हो जून 22 में ये हमने फोटो लिया था, एंड अप्रैल रिसेंटली अप्रैल 23 में हमने ये फोटो लिया. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग पैचेस है. अब ये जो पैचेस देखने को मिल रहे हैं आपको, कुछ पैसेज पैसेज हाफ एकर है, कुछ 1 एकर है, कुछ 1.5 एकर है, बड़ा एरिया है. यहाँ पे आप देख सकते हो ये रोड है. मुझे पता नहीं मेरा कर्सर दिख रहा है नहीं आपको, बट ये रोड आपको दिख रहा. सो इट्स अ ह्यूज साइट, इट्स अ वेरी ह्यूज साइट. आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने पैचेस के भी फोटो लिए राइट में, जो आपको दो फोटो दिख रहे हैं. सो दिस इज अवर सेकेंड साइट निसर्ग उद्यान नवी मुंबई. दिस वॉज अ डंपिंग यार्ड, ओल्ड डंपिंग यार्ड, अभी ये बंद हो गया है. जैसा आप फोटो में देख पा रहे हो कि पूरा कचरा है, टोटल कचरा है. जब हम जमीन से 3 फीट नीचे जा रहे हैं, तो जमीन से फर्स्ट फोटो में आपको देखने को मिलेगा कि जमीन से 3 फीट नीचे जाने पर भी हमें पूरे कचरे की लेयर दिख रही है. जाहिर है अगर डंपिंग यार्ड है तो यहाँ पे सारा कचरा डंप किया है. सो मुंबई का सारा जो भी कचरा था यहाँ पे डंप किया था, अभी ये डंपिंग यार्ड बंद हुआ है. सो इस डंपिंग यार्ड को हमने एक बायोडाइवर्स फॉरेस्ट में कन्वर्ट किया है. तो मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये चैलेंजिंग साइट थी, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थी. यहाँ पे आप देखोगे कि पूरा प्लास्टिक है, पूरा कचरा है, पूरा कचरे से भरा हुआ है. यहाँ पे कोई भी सॉइल सोर्स नहीं था, एंड ऐसी जगह पे प्लांटेशन करना मतलब नियरली इम्पॉसिबल होता है. अगर कोई भी सोचेगा कि हाँ कचरे में प्लांटेशन करना है, तो कोई भी बोलेगा कि नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं. एंड ये हुआ हमारे साथ जब हम प्राइमरी स्टेज पे यहाँ पे जब गए थे निसर्ग उद्यान में, जब हम काम स्टार्ट किया हमने, तो लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि अरे ऐसा कैसा पॉसिबल है, ट्री प्लांटेशन तो जमीन पे होता है, आप कचरे में कर रहे हो, आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप आपके रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो, कचरे में कहाँ से पेड़ लगने वाले हैं, आपको इतना भी नहीं पता क्या. ये सारी चीजें हमने सुनी, ये सारी क्रिटिसिज्म हमने झेला, और उनके पर्सपेक्टिव से वो चीज सही भी थी, क्योंकि उन्होंने अभी अब तक कभी देखा नहीं था कि कचरा कचरे में भी पेड़ आ सकते हैं. वो अलग बात है कि ग्रीन यात्रा ने कुछ मेथोडोलॉजीज डेवलप किए जिसका यूज करके हम जो डंपिंग यार्ड है उसको चेंज कर सकते हैं. एंड नाउ वी नोन एज अ डंपिंग यार्ड एक्सपर्ट. नागपुर में भी हमने डंपिंग यार्ड पे प्लांटेशन किया है. सो वी हैव दैट पावर, वी हैव दैट मेथोडोलॉजी कि हाउ टू कन्वर्ट डंपिंग यार्ड इनटू द लश ग्रीन फॉरेस्ट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा डंपिंग यार्ड नीचे 10-10 फीट तक पूरा कचरा भरा हुआ है, लिटरेट वाटर है. एंड ये आप कन्वर्जन यहाँ पे देख सकते हो कि उस डंपिंग यार्ड को हमने पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो कि लश ग्रीन फॉरेस्ट में डेवलप किया. तो जो इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे लोग कि ऐसा हो सकता है, वहां पे हमने कुछ टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, हमारा नॉलेज यूज कर के, जो भी हमारे एक्सपर्ट्स है उनसे सजेशन लेके डंपिंग यार्ड को हमने कन्वर्ट किया एक फॉरेस्ट में. आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट इमेज में आपको देखने को मिलेगा कि ये 10 मंथ ओल्ड मियावाकी फॉरेस्ट है उसी डंपिंग यार्ड पे, सेम साइट पे, जिसकी 10 महीने में अगर हम हाइट देखेंगे 10 से 12 फीट तक इसकी हाइट गई है. एकदम डेंस फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है. यहाँ पे सेकेंड फोटो में आप देख सकते हो कि मार्च 2020 में हमने ये प्लान किया था, और जुलाई 22 का ये फोटो है.
क्योंकि यहाँ पे आपको एक डेंस फॉरेस्ट, डेंस कैनोपी का फॉरेस्ट देखने को मिलेगा जो कि ओनली 1.5 ईयर ओल्ड है. सो दिस इज अ बिग थिंग कि हाउ वी कैन कन्वर्ट डेड लैंड, हाउ वी कैन कन्वर्ट डिग्रेडेड लैंड इन टू द बायोडाइवर्स फॉरेस्ट, और वहां पे हम बायोडाइवर्सिटी को कैसा फिर से ब्रिंग बैक कर सकते हैं. सो दिस इज अ, मुझे ये प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये पूरी डेड लैंड थी. यहाँ पे किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि पेड़ आएगा, सिंगल पेड़ आएगा, बट वहाँ पे हमने पूरा जंगल डेवलप किया और यहाँ पे हमने 1 लाख पेड़ लगाया है. सोनी म्यूजिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट को फंड किया है और उनकी सीएसआर फंडिंग की वजह से यहाँ पे हम 1 लाख पेड़ों के साथ इतना पूरा मियावाकी फॉरेस्ट लगाया है और एक लश ग्रीन हुआ है. I think this serves as a perfect example. If you are, you know, doing something good for nature, nature will in turn cooperate and do better with you. Right, definitely. हमें बस एक कदम आगे बढ़ाना है चंद्रा. हमें बस एक कदम आगे बढ़ाना है positively. मतलब dedicatedly अगर हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो nature भी हमें support करता है. आप देख सकते हो कि डंपिंग यार्ड में जहाँ पे 10-10 फीट तक पूरा कचरा था वहां पे हमने बायोडाइवर्स फॉरेस्ट किया. यहाँ पे सेम फोटो उसी एरिया की है, निसर्ग उद्यान की है. यहाँ पे आप फर्स्ट फोटो में देख सकते हो जब हमने काम स्टार्ट किया तो ये पूरा डंपिंग यार्ड ऐसा दिखता था, एंड नाउ सेकेंड फोटो में आप देखोगे कि ये पूरा हमने एक वॉल बनाई, ग्रीन वॉल बनाई मियावाकी फॉरेस्ट की डंपिंग यार्ड में. एंड राइट साइड में जो आपको फोटो दिख रहा है वो फॉरेस्ट के अंदर का है, क्योंकि हम फॉरेस्ट वॉक भी अरेंज करते हैं स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, कुछ एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके लिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए. तो आप देख पाओगे कि डंपिंग यार्ड पे एक ऐसा जंगल हमने बनाया कि जिसके अंदर का ये पाथवे है जहाँ पे हमें एक रियल फॉरेस्ट का मजा मिलता है विद द हेल्प ऑफ मियावाकी मेथोडोलॉजी. तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ डेड लैंड, डेड डंपिंग यार्ड इनटू द लश ग्रीन फॉरेस्ट. एंड मुझे लगता है कि सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी ये है कि जो फॉरेस्ट हमने बनाए हैं उसको नेचर ने तो एक्सेप्ट किया ही है, बट उसको एनिमल्स ने भी एक्सेप्ट किया है. सो जब हमने ये प्लांटेशन किया था उसके कुछ महीनों बाद हमें वहाँ पे गोल्डन जैकल के बच्चे देखने को मिले थे. तो वहाँ पे उन्होंने बच्चे डिलीवर, बच्चे वहाँ पे उन्होंने पैदा किए थे उस जोड़े ने. सो हम ये देख पा रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं कि ये जो एनिमल्स है उन्होंने भी एक्सेप्ट किया इस फॉरेस्ट को. वो भी उनको भी लग रहा है कि नहीं, ये फॉरेस्ट हमारा हैबिटेट है, यहाँ पे हम रह सकते हैं, यहाँ पे हम बच्चे को पैदा कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे बच्चे सेफली रह सकते हैं. और आपको पता है सैंडा कि जब एनिमल को लगता है कि नहीं ये जगह है सबसे बेस्ट है जहाँ पे हम रह सकते हैं, तभी वो उस जगह पे मतलब बच्चे को जन्म देते हैं. सो एक बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए कि एनिमल्स भी सोचे कि ये जो प्लांटेशन किया है यहाँ पे हम रह सकते हैं. एंड रिसेंटली पिछले महीने में ही कुछ फोटोज हमें मिले हैं जो कैमरा ट्रैप से हमें फोटो मिले. ये गोल्डन जैकल के फोटो आप देख सकते हो कि जहाँ पे वो मस्त रात में फॉरेस्ट का सफर कर रहा है, फॉरेस्ट वॉक का आनंद वो नाइट में ले रहा है. तो कुछ कैमराज ने फोटो लिए. तो हमें इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि हमारा जो एम था कि बायोडाइवर्सिटी, अर्बन बायोडाइवर्सिटी को हमें प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, वो हम कर पा रहे हैं. ये एनिमल्स हमारे जंगल में आ रहे हैं, रह रहे हैं, बच्चों को जन्म दे रहे हैं, वहाँ पे उनका एक हैबिटेट हो रहा है, इसका हमें बहुत खुशी है. और ये आप देखिए कि एक डंपिंग यार्ड पे एक कचरे की जगह ये चीजें हो रही है. मतलब आप बिफोर आफ्टर अगर इमेजिन करेंगे तो कहाँ पे पूरा कचरों का पहाड़ एंड कहाँ पे एनिमल का जो हैबिटेट है वो रिस्टोरेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ मियावाकी मेथोडोलॉजी. जब हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे थे इनिशियल फेज में ये छोटा था, बहुत छोटा था, तो ये घूमता था. जब भी हम प्रोजेक्ट का काम करते थे तो ये दिखता था हमें, कभी पाथवेज पे, कभी ग्रास पे उधर. तो और ये हम उसके लिए ही घर बना रहे थे. शायद उसको भी पता चल गया होगा कि यस, ये दिस ह्यूमंस आर मेकिंग समथिंग गुड फॉर लिविंग में. एंड जब हमने ये जंगल बनाया, अभी तो जंगल नियर अबाउट 20-22 फीट का हो गया है, पूरा लश ग्रीन हो गया है, अभी भी ये वहाँ पे प्रेजेंट है और उस जंगल में रहने वाला ये मूल निवासी हम उसको बोलेंगे. तो ये पहले से वहाँ पे रहता है, अभी भी जंगल का आनंद लेता है, अभी तो बहुत अच्छा सा हट्टे कट्टा हो गया है और उस जंगल का ये बेनिफिशियरी है. बाकी जो भी बर्ड्स है, बटरफ्लाईज है, वो तो कंटिन्यू होते हैं, कंटिन्यू आते हैं. सो इस तरह से हमने एक डिग्रेडेड वेस्ट लैंड को जहाँ पे कचरा डंप किया जाता था, डंपिंग यार्ड को हमने ऐसा कन्वर्ट किया, ऐसे फॉरेस्ट में कन्वर्ट किया जहाँ पे स्नेक्स, गोल्डन जैकल और अदर एनिमल आके रह रहे, उनका हैबिटेट वहाँ पे सेटल हो रहा है, वो फील कर रहे हैं कि नहीं ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है. एंड सेम थिंग यहाँ पे लोग भी आते हैं, लोग भी घूमते हैं और यहाँ पे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है. तो यहाँ पे स्नेक्स अपनी अपनी जगह पे रहते हैं, अपने जंगल्स में रहते हैं, लोग अपने अपना पाथवेज पे घूमते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि जहाँ पे ह्यूमन हैबिटेट एंड एनिमल हैबिटेट एक साथ रह रहे हैं एंड वो भी नई मुंबई, नवी मुंबई जैसी जगह पे. सो लोग इमेजिन भी नहीं कर पाते ऐसा भी होता होगा नवी मुंबई में, क्योंकि सबको पता है नवी मुंबई में या फिर पुरानी मुंबई में बस कॉन्क्रीट जंगल है. बट हमने एक ऐसा जंगल क्रिएट किया है नवी मुंबई जो सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है.
सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ डंपिंग यार्ड कन्वर्जन. सो ये भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड है. आप देख पा रहे हो कि 18 मंथ में हमने वहां पे एक ग्रीन वॉल बनाई है विद द हेल्प ऑफ मियावाकी मेथोडोलॉजी. वहां पे भी डंपिंग यार्ड था. दिस इज ऑल्सो फोटोज ऑफ ओल्ड डंपिंग यार्ड. निसर्ग उद्यान के ही है. ये एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे हमने 50,000 पेड़ लगाए एक डिफेंस कैंपस में. मुंबई एरिया में ही ये जगह है. सेम. सो हम इसमें पाथवेज भी रखते हैं, कुछ ऐसी स्पेस भी रखते हैं कि जहाँ पे लोग आ सके, नेचर से इंटरेक्ट कर सके, बैठ सके, नेचर को फील कर सके. मतलब मुंबई जैसे कॉन्क्रीट जंगल में आपको अगर ऐसा एक जंगल मिल जाए कि जहाँ पे आप नेचर से इंटरेक्ट करो तो बात ही कुछ और है. सो दिस इज अ मियावाकी फॉरेस्ट एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग फॉर वाटर कंजर्वेशन. एंड इन वाटर कंजर्वेशन मेजरली वी आर वर्किंग फॉर लेक एंड पॉन्ड रिस्टोरेशन. तो ये एक लेक हमने रिस्टोरेशन किया है बैंगलोर में अंडर द प्रोजेक्ट जल. सो जो होता है ना कि हम जैसे ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, सो ऑक्सीजन के बाद नंबर आता है वाटर का, कि हम ऑक्सीजन के बगैर शायद 10 मिनट 5 मिनट जिंदा रह पाए, उससे ज़्यादा तो हम रह नहीं सकते. और वाटर के बगैर भी हम शायद कुछ जिंदा रह पाए, पर उसके बाद तो हम डेफिनेटली मर जाएंगे. तो वाटर इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स जो हमें नेचर से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है. सो इसमें भी हम काम कर रहे हैं, रिजुनेट कर रहे हैं वाटर बॉडीज, और बहुत सारे सिटीज में ये काम चल रहा है. ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जो हमने बैंगलोर में किया है. ये भी आप देख सकते हो SCL फाउंडेशन ने इसको सपोर्ट किया है. तो बिफोर का फोटो आप देख सकते हो कि पूरा इसमें इन्वेजिव स्पेसिस भरी हुई थी, कोई भी यहाँ पे आपको वाटर का प्रेजेंस नहीं दिख रहा है. बट जब हमने इसको रिजुनेट किया तो यहाँ पे वाटर आपको क्लियरली दिख पा रहा है. यहाँ पे हमने कुछ बर्ड आइलैंड भी बनाए हैं जिसके ऊपर बर्ड्स आके रह सके, उनका हैबिटेट वहाँ पे बना सके. तो प्रोजेक्ट जल के बाद एक जो विंग है हमारी जो क्लाइमेट एजुकेशन है, जिसके अंदर हम स्कूल्स में कॉर्पोरेट्स में, आप ऊपर के 3 फोटो में देख पा रहे हो कि हम अलग अलग स्कूल्स में क्लाइमेट से रिलेटेड अलग अलग सेशंस लेते हैं. ये सेशन ऑफलाइन भी होते हैं, समटाइम ऑनलाइन भी होते हैं, डिपेंड्स की जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट या जैसा पॉसिबिलिटी होती है. तो ये सेशन हम कंडक्ट करते हैं. ये सेशन होते हैं स्कूल स्टूडेंट्स के साथ, कॉर्पोरेट इम्प्लॉइज के साथ, हमारे जो CSR पार्टनर्स हैं उनके साथ भी हम ये सेशंस करते हैं. और जैसे जैसे हमें रिक्वेस्ट आती है वैसे करते हैं. पिछले महीने में हमने इतने सेशन किए, मतलब रिकॉर्ड ब्रेक सेशन पिछले महीने में हमारे हुए, क्योंकि अर्थ डे भी था, एनवायरमेंट डे भी था, तो सब लोग बोल रहे थे कि सेशन लेने. तो इन सेशन का मेन एम ये है कि जैसा हमने डिस्कस किया कि लोगों को पता नहीं कि व्हाट इज द नेटिव स्पेसिस, लोगों को पता नहीं कि एनवायरमेंट कंजर्वेशन हम कैसा कर सकते हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, नेटिव नॉन नेटिव में क्या फर्क होता है, जो भी क्लाइमेट रिलेटेड टॉपिक है कि हाउ वी कैन कंजर्व अवर वाटर बॉडीज, हाउ वी कैन रिस्टोर अवर वाटर बॉडीज, हाउ वी कैन रिस्टोर अवर फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज अर्बन बायोडाइवर्सिटी. तो ये सारी चीजें हम हमारे क्लाइमेट एजुकेशन में कवर करते हैं. इसमें नियर अबाउट 15 to 20 अलग अलग टॉपिक्स इंक्लूड है जिसके सेशन हम लेते हैं, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है हम उसको उस हिसाब से सेशन डिलीवर करते हैं. सो वी आर ऑल्सो वर्किंग फॉर सस्टेनेबिलिटी, जिसमें हम कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेशन करते हैं, कार्बन इमिशन कैलकुलेशन करते हैं, उस पर सोल्यूशन देते हैं कि हाउ यू कैन ऑफसेट यूर कार्बन इमिशन, क्या मेथोडोलॉजी हो सकती है, कौन सा प्लांटेशन आप कर सकते हो, कितना प्लांटेशन आपको करना है. ये सारी चीज़ों पर भी ग्रीन यात्रा काम कर रही है. एंड ऑल दिस थिंग्स पॉसिबल ड्यू टू अवर CSR पार्टनर. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू अवर CSR पार्टनर. मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूंगा इस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ओकेजन पे, कि उनका जो CSR फंड है, उनकी जो फंडिंग है, एक पॉजिटिव एक अच्छे काम के लिए यूज हो रहा है. उनके CSR फंड से हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, अर्बन बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर कर पा रहे हैं, हम वाटर कंजर्व कर पा रहे हैं, हम लोगों तक अवेयरनेस सेशन के थ्रू, क्लाइमेट एजुकेशन के थ्रू अवेयरनेस हम स्प्रेड कर पा रहे हैं. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू और ऑल जो भी CSR पार्टनर्स उनको. सो हम मेरे कुछ नाम है जैसे कि सोनी म्यूजिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, क्रेडिट स्विस, DCB बैंक, एक्सिस बैंक, बारक्लेज, SCL फाउंडेशन, टाटा कैपिटल, यूबीसॉफ्ट, सैंडविक, फेरिंग फार्मास्यूटिकल, SBI एंड ऑल ओवर पार्टनर जो हमें हेल्प कर रहे हैं, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन करने के लिए, वाटर बॉडी रिस्टोरेशन करने के लिए और इन्वायरमेंट पे काम करने के लिए. सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ऑल ओवर पार्टनर. सेशन खत्म करने से पहले मैं आपको सेंड एक छोटा सा वीडियो बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि हम और क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, ग्राउंड पे क्या एक्टिविटीज होती है. तो उस वीडियो के जरिए से हम देख बता पाएंगे कि हम क्या क्या चीजें ऑन ग्राउंड कर रहे हैं. सो जस्ट 2 मिनट का वीडियो है, देन उसके बाद वी विल कंक्लूड द सेशन. जस्ट सैंडा, इज इट विजिबल? यस, दिस इज विजिबल, इट्स ऑडिबल आल्सो. ओके, सो Thank you.
सो दिस इज अ नवी मुंबई साइट निसर्ग उद्यान डंपिंग यार्ड, जो मैंने आपको बताया ना कि जैसे डंपिंग यार्ड को कैसे कन्वर्ट किया। सो ये बिफोर का फोटो है, यू कैन सी आफ्टर फोटो। इस तरह से ग्रीन यात्रा में हम डेली ग्रीन यात्रा जीते हैं। डेली ग्रीन यात्रा में हम इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, और मैं अपने व्यूवर्स को यही बताना चाहूँगा कि हमें भी इन्वायरमेंट इस टॉपिक को सीरियसली सोचना चाहिए, एंड ट्री प्लांटेशन करने चाहिए, मैक्सिमम नेटिव ट्री प्लांटेशन करने चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए नेटिव नॉन नेटिव ट्रीज के बारे में। प्लास्टिक जो है उसका जो भी यूज है उसको कम करना चाहिए, स्पेशली सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज हमें कम करना चाहिए, एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ये हमें सोचना चाहिए। एंड डेफिनेटली अगर हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, कंजर्व करेंगे, तो ही हम खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, बिकॉज वी आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर। अगर जैसा मैंने बोला कि अगर 13 लाख रुपए अगर हमें डेली भरना हो ऑक्सीजन के, तो ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। एंड अच्छा मतलब जो हमें नेचर यहाँ पे मिल रहा है, जो भी हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, वो छोड़ के अभी हम चांद पे जाने की सोच रहे हैं या फिर मंगल पे जाने की सोच रहे हैं, बट वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ अवर अर्थ। जो ऑलरेडी हमें मिला है, जो हमें मिल रहा है, सारी चीजें मिलती है, उसको इग्नोर करके हम आगे की सोच रहे हैं। बट मुझे लगता है कि जो अर्थ हमें मिली है हम उसको ही प्रोटेक्ट करें, तो वो और ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू सेंड्रा। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। आई कैन नॉट टेल यू, वो वीडियो देखते वक्त मुझे ऐसा एकदम दिल से क्लैप करने का मन कर रहा था फॉर द कमेंडेबल वर्क दैट ग्रीन यात्रा एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग फॉर रिस्टोरिंग यू नो द नेचर, एंड नॉट ओनली नेचर बट ये सारे जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उससे नेचर एंड ह्यूमंस दोनों के बीच की वो जो मिसिंग लिंक है वो फिर से ड्रॉ हो रही है। एंड थ्रू दिस सेशन आपने बहुत बहुत ब्यूटिफुली एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम यू नो थ्रू दी स्मॉल स्मॉल स्टेप्स दैट वी कैन टेक ऑन अ डेली बेसिस, जिससे हम इकोलॉजी में नेचर में बैलेंस ला सकते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नेटिव नॉन नेटिव स्पीसीज, एंड एक
माइंडसेट चेंज जो नेसेसरी है हम में एज ह्यूमंस, स्पेशली हम में एज ह्यूमंस मोर देन एनीबडी एल्स, ताकि यू नो वी लर्न हाउ वी कैन डू दीज लिटिल थिंग्स. लाइक आपने कहा था प्लास्टिक इज ऑलवेज टर्म्ड एज अ विलन, कि हम सोचते हैं कि नहीं प्लास्टिक ही बुरा है. इट्स नॉट प्लास्टिक जो बुरा है, इट्स हम जिन्हें प्लास्टिक इस्तेमाल करने नहीं आता ठीक से, विच इज एक्चुअली बैड. दिस वॉज वेरी एनलाइटनिंग एज अ सेशन, एंड आई रियली होप व्यूअर्स दैट दिस हैज हेल्प यू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन योर लाइफ. And I really hope that you remember what you have learned today, that it's what we do in small little ways that can actually make a difference. Hamesha koi badi badi cheeze karne ki zarurat nahi hai, just choti choti cheeze karne se, saath mein karne se bahut kuch ho sakta hai. So thank you so much Siddharth, it was a wonderful, very informative, very enlightening session. And viewers, we hope to see you next Saturday on our next Sustainable Saturday session. Thank you so much. Thank you Sandra.